ये जो है हम स्टेशन में दाखिल हो गए हैं। ये भाई टिकट, टिकट फ्री है, रमजान में फ्री है। थैंक यू। अब किधर से बैठना है में? शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, दिस इज सरदार फहद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो व्लॉग और एपिसोड वट एवर। और आज का जो व्लॉग है बड़ा ही खास होने वाला है, बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। जाहिर बात है, मैंने तो ये बोलना ही है। तो व्लॉग का सीन ये है कि यार अभी भी 4 बजे मुझे ऑफिस से छुट्टी हुई है। उससे पहले मैं यूनिवर्सिटी गया था, तो ऑफिस से छुट्टी हुई है 4 बजे, फिर छुट्टी होती है। अब बहुत से लोग ये ना पूछने लग जाना क्या काम करते हो, अब कौन से ऑफिस में। भाई ये साथ ही कंस्ट्रक्शन कंपनी है G11 में, उसमें काम करता हूँ मैं फुल लाडलों की तरह, शहजादों की तरह, ठीक है। जब दिल करे छुट्टी मिल जाती है, जब दिल करे जिधर जाना हो घूमना फिरना हो, कोई चक्कर ही नहीं है, मतलब सब ईजी है। यार आज फिर आप बताए बगैर चले गए, लेकिन जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया मुझे कहीं नहीं, ठीक है, आइंदा नहीं होगा सर, सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा पक्का। बस सर थोड़ा काम पड़ गया था, जल्दी जाना था, तो वरना तो सीन ये व्लॉग का कि G11 से ऑफिस से मैं डायरेक्ट आया हूँ इधर। ये G10 है शायद, G10। तो कुछ ही दिन पहले जो है हमारे शहबाज शरीफ भाई ने, चाचू ने, अंकल ने ऐलान किया है कि भाई जो पुरानी मेट्रो मनसूबा था 4 साल से बंद था, वो अब उन्होंने चालू कर दिया, मतलब चलने लग पड़ा है। और सबसे मजे की बात, रमज़ान में जो है भाई उनकी मेट्रो स्टेशन और मेट्रो का टिकट है फ्री। तो कोई चीज़ फ्री हो तो वो हम कैसे छोड़ सकते हैं। बेसिकली ये वाली जो मेट्रो है ये पेशावर मोड़ से लेके न्यू एयरपोर्ट तक जाती है, जिसने बहुत आसानियाँ पैदा कर दी हैं और तमाम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए और जितने लोग आते हैं जाते हैं यहाँ पर ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर दी हैं इस वाली मेट्रो ने। तो देखते हैं अंदर से क्या हिसाब किताब है इसका। मेट्रो की खास बात या नॉर्मल बात कह सकते हैं ये है कि जो लोग बाइक पे आते हैं वो यही मेट्रो स्टेशन, दूसरी वाली मेट्रो का भी यही सीन था कि वो मेट्रो स्टेशन के साथ ही अपना बाइक खड़ा कर सकते थे, ताकि वो अपना बाइक यहाँ खड़ा करके उन्होंने जहाँ जाना ट्रैवल वगैरह करके उसके बाद वापस आके अपना बाइक यहाँ से पिक करके और चले जाएँ आगे। अब देखते हैं, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, थोड़ी बहुत सीढ़ियों का काम हो रहा है, हाथ हिला दूँ इनको, जो भी कहते हैं इसके लेटर एलिवेटर या जो भी, उनका काम चल रहा है। ये वाली जो है यार बड़ी यहाँ से ना पेंट की खुशबू आ रही है, और आएगी भी क्यों नहीं, क्योंकि भाई पेंट जो कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या सीन है। सबसे मज़े की बात जो है शहबाज शरीफ चाचू ने इसको शुरू किया है रमज़ान में, और रमज़ान में फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप न्यू एयरपोर्ट से पेशावर मोड़ तक आ जा सकते हैं। और नॉर्मल डेज में इसका टिकट मेरे ख्याल से 30 रुपीज़ होगा। शुरू में उन्होंने टिकट वाला सीन या टोकन वाला सीन तो नहीं रखा, एक रसीद दी है और कह रहे हैं रमज़ान में फ्री है, जिसके ऊपर कोई बार कोड का निशान बना हुआ है और CDA का लोगो बना हुआ है। ये वाला जो है उस वाले से काफ़ी मतलब प्यारा कह सकते हैं, प्यारा तो नहीं है यार, साल बाद इसकी भी वही हालत हो जाएगी, शुरू में वो भी ऐसा ही था। कुछ पेंटिंग्स लगी हैं इस स्टेशन पर और पब्लिक खड़ी है मेट्रो के इंतजार में। ये उन्होंने पर्ची में दी थी ये वाली, जिसको बार कोड निशान बना हुआ है। ये जो स्टेशन है ये है G10 स्टेशन, इससे अगला है G11, और उस तरफ जाएं तो पेशावर मोड़ वाले सारे आते हैं। इस वाली में और उस वाली मेट्रो में फ़र्क है कि वो रेड कलर की थी और ये ऑरेंज कलर की है, तो ये जो मेट्रो है टोटली ऑरेंज कलर की है। इस तरफ से जो है हम जाते हैं न्यू एयरपोर्ट की तरफ, और उस तरफ से जो मेरी पिछली तरफ है उधर से हम जाते हैं पेशावर मोड़ की तरफ। ठीक है, आ गए, बस आ गई है, इसमें हमें बैठ के अब जाना है एयरपोर्ट की तरफ। चलो सही है यार, बाय बाय। मज़े के सीन तो ये हो गए कि जो फ्री टिकट, बिल्कुल फ्री टिकट, वैसे बंदा किसी भी पार्टी का सपोर्टर हो, पर ये जो चीज़ें हैं ये काबिले सराहत हैं, इनको सराहना चाहिए, इनकी तारीफ होनी चाहिए। देखो मतलब पूरे रमज़ान में फ्री में आप ट्रैवल कर सकते हैं भाई,
आसानियाँ नेकियाँ। सामने अपनी यूनिवर्सिटी की बस जा रही है इस्लामिक की, जी दे रहा था जी तेरह से भी आगे आ गई है। और हमारी वो फ्री वाली पर्ची हमारे पास है, साथ मैकडोनल्ड इस्लामिक की एक और बस साथ से जाते हुए। अभी एक भाई मिले हमें जिन्होंने हमें खुद बुलाया है और कह रहे हैं हमारा इंटरव्यू करो, क्या कहना चाहिए आप मुझसे? क्या पूछेंगे उसका मैं जवाब? और आप मेरे ख्याल से पहली बार ही बैठे हैं, आप पहली बार तो नहीं बैठे? हाँ, मैं पहली बार, मैं भी पहली बार बैठा हूँ, तो मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ? अच्छा, जबकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, तो आप ये बताएं कि ये कैसे लगा है आपको ये गाड़ी का आना जाना, गाड़ी का माहौल अंदर का? गाड़ी का माहौल तो अच्छा ही है, इस तरह पिछली वाली का अच्छा था शुरू के दिनों में, फिर साल बाद पता लगा तो उसकी क्या हालत हो गई थी। नहीं, ये सब अच्छी बात है कि रमज़ान में उन्होंने फ्री टिकट लिया है। अच्छा, तो गाड़ी का जो माहौल है, ये जो इनर एनवायरनमेंट है, वो कैसा आपने पाया? वो बहुत अच्छा है, एसी चल रहा है, एसी चल रहा है, बेहतरीन। लोग खुश हैं, लोग भी खुश हैं, सफाई है गाड़ी के अंदर, सफाई भी है, गाड़ी सही जो है अपने मकान पे आके रुकती है, लोग इजीली जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं। ऊपर चढ़ने में या नीचे उतरने में कोई आप खतरा तो महसूस नहीं करते? टेक्निकली ठीक है ये, ठीक है। और तमाम आप देख रहे हैं जो स्टेशन आपने विजिट किए हैं साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन है, तो अच्छी हरकत है ना, किसी को उसे सराहना चाहिए। जैसे रमजान में टिकट किया स्टूडेंट्स के लिए, सब के लिए, फैमिलीज के लिए, बहुत बड़ी आसानी पैदा की है। कब भेजोगे अपना यूट्यूब पे आप? बस ये कल तक अपलोड हो जाएगी। चलो कल नहीं, परसों कर दे। नहीं, कल हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी जो है हम N8 स्टेशन पे उतरे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से आगे जो आपको नई बस लेके जाएगी, तो देखते हैं क्या सीन है। इस स्टेशन का नाम N8 है, देखने कितनी देर तक यहाँ से आगे एक नई बस आती है जो हमें लेके जाती है एयरपोर्ट की जाने। प्लान के मुताबिक ये सोचो कि एयरपोर्ट तक जाएंगे, वहाँ पर उतरेंगे और वहाँ से वापस फिर G11 के G10 जहाँ पर मेरा बाइक खड़ा है, और फिर घर। बकोल गार्ड यहाँ पर नहीं, आधे घंटे बाद बस आएगी, क्योंकि अक्सर वो कह रहा समटाइम ऐसा होता है कि आधे घंटे की ब्रेक होती है जो हमें एयरपोर्ट लेके जाएगी। कहीं ऐसा ही ना हो कि मेरा जो है रोज़ा एयरपोर्ट पे खुल जाए, पर देखता हूँ अगर टाइम से नहीं आती है, कोई सीन ऐसा होता है तो मैं इधर से उस तरफ जाने वाली बस में बैठ के वापस चला जाऊँगा जो कि जाती है पेशावर मोड़ तक। सीन ये है कि एयरपोर्ट वाली बस में नहीं बैठे हम, एयरपोर्ट वाली में नहीं बैठे, होती है गाड़ी है बाद तो ऐसे वापस में चले जाएं। तो यही सोचा कि एयरपोर्ट वाली जो बस है नहीं आई, उसने आधे घंटे में आना था, तो रोज़ा हमारा सोचा कि एयरपोर्ट पे खुलता, हमने सोचा हम वापस चले जाएं। टिकट अभी पास है कि सेम टिकट पे आप वापस भी आ सकते हैं, जा भी सकते हैं। पुरानी मेट्रो में ये होता था, पता नहीं शायद जब तक फ्री है तब तक ये देते हैं, पुरानी में इस दिन टोकन देते थे येलो कलर का, इसमें भी देखते हैं वो देते हैं कि नहीं देते। अभी हम स्टेशन N8 से बैठ गए और अभी हमने जाना है G10 तक। बस चल पड़ी है और ये जा रही है सीधा इधर से जाएगी पेशावर मोड़, उससे पहले इसके बीच में स्टेशन आएंगे, अभी G13 आएगा शायद, उसके बाद अगला, उससे अगला, फिर उससे अगला। गोल्डा मोड़, यहाँ से कुछ लोगों ने बैठना होगा और वो बर्गर कहते हैं लोगों ने बैठना होगा, हम तो कहते सवारियों ने बैठना होगा, सवारियों ने बैठना होगा। और उसके बाद यहाँ से फिर आगे चलेगी, सिर्फ रमज़ान में जो है टिकट फ्री है, उसके बाद रमज़ान के बाद जो होगा ये होगा ₹30 का एक टिकट होगा। टाइम भी 5:32 हो गया, जल्दी जल्दी से मैं शॉट पूरे करके वापस घर भी जाना है ताकि रफ्तारी कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर व्हाटएवर जो भी। अभी टाइम कम रह गया रोज़ा खुलने में 30 सेकंड, तो जल्दी से मैंने घर पहुँचना है, बहुत सख्त प्यास लगी हुई है। तो फ्रेंड्स
मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।